एवरीवन, तो आज के इस वीडियो में हम देखेंगे बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है फंक्शन रिटर्निंग मल्टीपल वैल्यूज इन पाइथन। तो पाइथन में हमारे पास यूजर डिफाइंड फंक्शंस होते हैं, हम बना सकते हैं फंक्शंस, हमारे पास इनबिल्ट फंक्शंस भी होते हैं और हम नए अपने फंक्शन बना सकते हैं एज पर आवर रिक्वायरमेंट। तो हमारे पास ये जो हमारा ये टॉपिक है ये क्या है, फंक्शन रिटर्निंग मल्टीपल वैल्यूज। तो हमें पता है फंक्शन हम बनाते हैं और उसमें रिटर्न स्टेटमेंट होता है। तो रिटर्न स्टेटमेंट अभी तक हमने क्या देखा कि एक ही वैल्यू रिटर्न करता है, लेकिन हमारे पास इधर फैसिलिटी होती है कि रिटर्न में हम बहुत सारी वैल्यूज भी रिटर्न कर सकते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में। तो इधर क्या है, हमारे पास मैं आपको एक पाइथन प्रोग्राम बना के दिखाऊंगी जिसमें हम बेसिक कैलकुलेशंस करेंगे कैलकुलेटर की। तो कौन कौन सी करेंगे, सम निकालेंगे, देन सब्ट्रैक्शन निकालेंगे, देन प्रोडक्ट एंड डिविजन। तो इन चारों को कैलकुलेट करेंगे विद द हेल्प ऑफ फंक्शन एंड उस फंक्शन में मल्टीपल रिटर्न, मतलब मल्टीपल वैल्यूज रिटर्न होनी चाहिए, ऐसा फंक्शन बनाएंगे। और उनको कैसे हम एक्सेस करेंगे अपने प्रोग्राम में वो भी देखेंगे। तो ये मैंने पाइथन शेल खोला है। एज वी नो कि हम अपना फंक्शन स्टेटमेंट स्टार्ट करते हैं विद कीवर्ड def, डिफाइन करेंगे हम। ये कीवर्ड है def विच इज मैंडेटरी व्हेन एवर यू आर क्रिएटिंग फंक्शन। तो मैंने फंक्शन का नाम ले दिया कैल्क और इसमें हमें दो अपने आर्ग्यूमेंट्स पास करेंगे। दो क्यों, क्योंकि हमें सम के लिए भी दो आर्ग्यूमेंट चाहिए, प्रोडक्ट के लिए भी, माइनस के लिए भी एंड डिविजन के लिए भी। तो हमने दो आर्ग्यूमेंट्स पास कर दिए एंड कॉलन इधर आएगा ही आएगा, दैट इज मैंडेटरी। तो अब इसके बाद देख लेते हैं, एक वेरिएबल ले लिया ऐड और दोनों इन जो ये जो दोनों आर्ग्यूमेंट्स थे पैरामीटर से इनको ऐड कर दिया। उसके बाद सब्ट्रैक्शन तो कर देंगे एक्स माइनस वाई, सिंपल है। देन प्रोडक्ट, प्रोडक्ट भी निकालेंगे हम, तो एक्स मल्टीप्लाई वाई एंड डिवीजन भी करेंगे एक्स डिवाइड बाय वाई। तो ये तो हो गया हमारे पास कैलकुलेशन जो भी हमें फंक्शन में चाहिए थी। अब हम देखेंगे रिटर्न, रिटर्न स्टेटमेंट देखेंगे और रिटर्न हमें क्या क्या चाहिए, एड रिटर्न करना है, सब्ट्रैक्शन रिटर्न करना है, देन प्रोडक्ट रिटर्न करना है एंड देन डिविजन। अब मैंने इतने सारे वेरिएबल्स लिख दिए हैं इधर, अब इनको एक्सेस कैसे करेंगे। अब इधर आते हैं, हमारे पास टू वेज होते हैं इसको एक्सेस करने का, मैं दोनों बता देती हूँ। एक तो मैंने ले लिया, हमारे पास पाइथन में फैसिलिटी होती है ए कॉमा बी कॉमा सी कॉमा डी, दीज आर द वेरिएबल्स नेम, यू कैन टेक एनी वट एवर यू वॉन्ट। तो इधर मैंने यूज करा, अपना फंक्शन कॉल करा है और फंक्शन कॉल में मैंने अपना वैल्यूज दे दी, जैसे मैंने इधर 2 दे दी, सॉरी 20.5 दे देते हैं। तो अब मैंने क्या करा, फंक्शन कॉल करा है, ये कैल्क, कैल्क फंक्शन कॉल करा है, इसमें आर्ग्यूमेंट्स भी पास कर दिए हैं और क्योंकि मेरे पास रिटर्न स्टेटमेंट में चार वैल्यूज रिटर्न हो रही हैं तो मैंने चार वेरिएबल ले लिए ए बी सी एंड डी और उनमें ये सारा स्टोर हो जाएगा। एक तरीका तो ये है तो, और इनको हम प्रिंट करा लेते हैं, मैं अभी दूसरा तरीका भी बताऊंगी। प्रिंट बी एंड एक साथ भी करा सकते हैं बट फॉर कन्वीनियंस कि ठीक से दिखे वो, तो मैंने ऐसे प्रिंट करा लिया है। अब इसको रन करके देखते हैं। तो ये मैंने रन करा तो एडिशन में आ गया 25, 15, देन मल्टीप्लाई में आ गया 100 एंड डिविजन में आ गया 4। तो हमारे हम ऐसे एक्सेस कर सकते हैं, लेकिन दिस इज नॉट अ गुड वे टू एक्सेस द रिटर्न वैल्यूज लाइक दिस। तो हम क्या करेंगे, हम एक वेरिएबल ले लेंगे ए, केवल ए में ही हमने अपना ये सारा जो भी रिटर्न स्टेटमेंट था इसका ये कैप्चर हो गया है। और हम इधर लगाएंगे फॉर लूप, फॉर आई इन ए, अभी तो मैंने ए लिया है, यू कैन टेक एनी वेरिएबल नेम, ए की जगह कुछ अच्छा सा नाम ले सकते हैं ताकि हमें पता लग जाए कि क्या है ये ए। और इधर हम करा देंगे प्रिंट ए, अब ये क्या हो रहा है, सॉरी प्रिंट नॉट ए प्रिंट आई। अब मैंने इधर क्या करा, जो जितना भी रिटर्न स्टेटमेंट था वो सारा ए में कैप्चर कर लिया,
फिर ए को आइट्रेट कर दिया और एक एक उठा के उसको प्रिंट कर दिया फॉर लूप के अंदर। तो दिस इज द बेटर वे टू प्रिंट ऑल दिस थिंग्स। तो इसको रन करके देखते हैं, यू कैन सी द रिजल्ट। तो 25, 1504 रिजल्ट आ गया हमारे पास। तो ये था हमारा फंक्शन रिटर्निंग मल्टीपल वैल्यूज, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको हम ये तो अच्छा ये तो था कि मैंने इसी फाइल में बनाया फंक्शन और इधर ही इसी प्रोग्राम में यूज कर लिया, लेकिन हमारे पास आगे आगे हम देखेंगे ऐसे प्रोग्राम्स आएंगे जिसमें केवल फंक्शन इधर बनेगा लेकिन हम कॉल उसको किसी और प्रोग्राम में कर रहे होंगे, तो उधर ये चीजें बहुत यूज होती हैं। सो फॉर नाउ थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।